अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? खैरियत? सब ठीक ठाक? बिल्कुल खुश? ये है पीछे ना जो मेरे कज़न बैठे हुए हैं, इसने रात हमारे साथ मैच के टाइम पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच चला था उसमें शर्त लगाया था मेरे साथ कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं अपने बाल सार के बाल सारे कटवा दूंगा, अगर पाकिस्तान हार गया तो इसने देखे अपने सर का क्या हाल कर दिया। बहुत ही बुरा हो गया मेरे कज़न के साथ। देखें अभी, देखें, बहुत परेशान है अभी सर पे, बिल्कुल एक बाल भी नहीं रहा है। प्लीज़ अभी परेशान नहीं होना, नेक्स्ट अभी वर्ल्ड कप आने वाला है इंशाल्लाह। की करता कहता है, बोला मैं एक तस्वीर लेनी है। नहीं नहीं प्राची, तो उसी तसल्ली करो इंशाल्लाह। वर्ल्ड अभी मैं इसको बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह बैक करेगा पाकिस्तान टीम चंगी नहीं खेली। पाकिस्तान देखे बहुत ही परेशान है राशिद भाई, देखें क्या कहना चाहते हैं आप। मायूस किया यार पाकिस्तान की टीम ने मुझे रात। देखें इसने नहीं माफ करूंगा कभी भी है रिजवान नु चाचा इफ्तिखार। राशिद भाई मुझे बताएं आपके साथ अभी क्या किया रिजवान ने और इफ्तिखार ने? बहुत बड़ा धोखा किया। देखें अभी रिजवान और इफ्तिखार ने, इफ्तिखार की वजह से और रिजवान की वजह से हम लोग मैच हार गए यार। कितने उसने 49 बॉल पे, रिजवान ने खाली 55 स्कोर बनाया जहां सेंचुरी बनना चाहिए था। देखें जला दिया ये इफ्तिखार चाचा, मैंने कभी कितने मिलिया ना, मैं पता कर ले सा ना। ये रिजवान ये बड़ा बैट्समैन बड़ा फिरता है कि मैं रैंकिंग पहला नंबर हाँ ये हुए। वैसे एक बात तो है, उनको तो सब चीज मिल गया, पैसा हाँ भी मिला है, गाड़ी भी मिला है, लेकिन हमारा जो दिल जल गया और ये गंजा हो गया है ना, तुम लोगों की वजह से बिल्कुल आवाम के दिल टूट गए हैं, आवाम के दिल टूट गए हैं, बहुत परेशान है आवाम। उदास किया यार रिजवान ने, आज के बाद मैं रिजवान का नाम भी नहीं लूंगा। चाचा इफ्तिखार को यार मैं खुदा के नाम पे हाथ बांध रहा हूँ, ये चाचा इफ्तिखार को तो टीम से निकालो यार, कितना बड़ा हिटर बैठा हुआ है हैदर अली यार। हैदर अली को देखो बैठा दिया, शर्जील को देखो, कितने कितने साइड में बैठे हुए हमारे बड़े बड़े बैट्समैन है यार। सही